है जो कि वो है चाय और कॉफ़ी दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 140 की। ये देखिए व्याख्या में दिया है, अल्कोहल कैफीन यानी कैफीन शराब चाय और कॉफ़ी दोनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोकोआ मैट रिलैक्स पैराग्वेरेंसिस कोला नट्स तथा कुछ दूसरे पादपों में भी पाया जाता है। औसतन चाय की पत्तियों में भार अनुसार 3% कैफीन होती है, जबकि अरेबिका कॉफ़ी में औसतन 1.2% और रोबास्टा कॉफ़ी में औसतन 2.2% कैफीन पाई जाती है। 140 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, बहुत बहुत आता है ये। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है, यानी कि NDRI हरियाणा के करनाल में स्थापित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मूलतः इस संस्थान की स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी, तथा 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे वर्तमान नाम दिया गया। 1955 में NDRI का मुख्यालय करनाल स्थानांतरित हुआ। 142 में मानव सदृश लघुतम कपि है, तो वो है गिबन। मानव सदृश लघुतम कपि गिबन हैं। ये लघु कपियाँ स्मॉलर एप्स की श्रेणी में आती हैं, तथा ये वृहत या महाकपियों चिंपैंजी बोनोबोस गोरिल्ला एवं ऑंगस्टोन ऑरेंगटान से आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। अभी देख लेते हैं 143, निम्नलिखित से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त तो होता है या होते हैं, तो वो हैं फ्रेंड ओजोन क्लोरीन डाइऑक्साइड और कैलोरेमिन। तो ये तीनों ही काम आते हैं जीवाणु युक्त जल को क्या करते हैं ये मुक्त करने के लिए काम आते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, ये युक्त नहीं है मुक्त है। इसके बाद में देख लीजिए फ्रेंड नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार है तो वो है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तो नहीं है, शरीर के संतुलन के लिए भी नहीं है। तो अब ये देखिए इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये देखिए सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तो ये तीनों के लिए ही जिम्मेदार है, क्योंकि शरीर के संतुलन के लिए और ये सेपरेट नहीं लगा सकते थे, इसलिए इसके अंदर हमें तीनों ही ऑप्शन चाहिए होंगे, क्योंकि मस्तिष्क ही हर पार्ट को एक्टिव करता है।